हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल सॉल्यूशन। आज हम स्टार्ट करने वाले हैं बी फार्मेसी के सब्जेक्ट फार्मास्यूटिक्स 1 के यूनिट 2 के मॉडल क्वेश्चन पेपर से। इस क्वेश्चन पेपर में मैंने यूनिट 2 के कुछ सेलेक्टेड क्वेश्चंस, उसके एमसीक्यू क्वेश्चंस, उसके शॉर्ट आंसर्स क्वेश्चंस, उससे रिलेटेड लॉन्ग आंसर क्वेश्चंस जो एग्ज़ाम में पूछे जा सकते हैं, अकॉर्डिंग टू एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से मैंने अरेंज करके बनाया है। ये लेक्चर आपको एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से काफ़ी हेल्प कर सकता है। चलिए आगे बढ़ते हैं। सो स्टार्टिंग विद दी इंस्ट्रक्शंस, जो क्वेश्चन पेपर है वो आपका टोटल 75 मार्क्स का है, ठीक है। इसमें सेक्शन 1 है जो मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस हैं, जिसमें मैंने 21 एमसीक्यूज दिए हैं, जिसमें से आपको कोई भी 20 एमसीक्यूज एग्ज़ाम में 20 ही दिए रहेंगे, आपको 20 क्वेश्चंस अटेम्प्ट करना रहेगा, ठीक है। मैंने इसमें 21 दिए हैं। नेक्स्ट आता है हमारा सेक्शन 2, जो कि लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चंस हैं। इसमें 3 या 4 क्वेश्चंस दिए रहेंगे, जिसमें से आपको कोई भी 2 क्वेश्चंस अटेम्प्ट करना रहेगा, और हर क्वेश्चन आपके 10 मार्क्स के रहेंगे। एमसीक्यू के हर क्वेश्चन आपके 1 मार्क्स के रहेंगे, तो आपके जो एमसीक्यू सेक्शन होगा वो 20 मार्क्स का हुआ। ये आपके 10 मार्क्स का एक क्वेश्चन रहेगा, तो आपको 2 क्वेश्चन अटेम्प्ट करने, तो ये हुआ आपके 20 मार्क्स के। उसके बाद आपका सेक्शन 3 आता है, जो कि शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चंस होता है, जिसमें आपको 8 या 9 क्वेश्चन दिए रहेंगे, जिसमें आप 7 क्वेश्चंस अटेम्प्ट करेंगे, जो हर क्वेश्चन आपके 5 मार्क्स के रहेंगे। तो ये टोटल क्वेश्चंस हुए आपके 35 मार्क्स के। तो 35 प्लस 20 प्लस 20 आपके 75 मार्क्स का ये क्वेश्चन पेपर है, ठीक है। मैंने यहाँ पे 8 क्वेश्चंस दिए, जिसमें से आपको 7 क्वेश्चंस अटेम्प्ट करना है। सो चलिए बिना टाइम वेस्ट किए हम एमसीक्यू से स्टार्ट करते हैं। सबसे फर्स्ट है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट लिक्विड डोजेस फॉर्म। इनमें से कौन सा है जो लिक्विड डोजेस फॉर्म के अंदर नहीं आता है। ऑप्शन ए कैचेट्स, बी सिरप, सी टिंचर्स, या डी स्पिरिट्स। सो सही ऑप्शन है आपका कैचेट्स। सिरप, टिंचर्स, स्पिरिट्स सब लिक्विड डोजेस फॉर्म है। एक कैचेट्स होते हैं जो कि सॉलिड डोजेस फॉर्म के अंदर आते हैं, ठीक। नेक्स्ट है हमारा, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ लिक्विड डोजेस फॉर्म। इसमें से कौन सी है जो मेन कैरेक्टरिस्टिक्स में नहीं आते हैं लिक्विड डोजेस फॉर्म के। सबसे फर्स्ट है होमोजेनिसिटी, सेकेंड हाई स्टेबिलिटी, थर्ड प्रॉम्प्ट एक्शन, फोर्थ ईज ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन। तो इसका सही ऑप्शन है आपकी हाईएस्ट स्टेबिलिटी, ठीक। हम सब जानते हैं कि जैसे मैंने आपको लेक्चर्स में बताया, जो लिक्विड डोजेस फॉर्म होता है उसमें प्रिजर्वेटिव्स रिक्वायर्ड होता है। क्यों? क्योंकि वो ज़्यादा टाइम तक स्टेबल नहीं हो पाता है। होमोजेनियस हो सकता है, ऑब्वियसली एक्शन उसका अच्छा होता है और एडमिनिस्ट्रेशन भी ईजी होता है, बट उसकी स्टेबिलिटी हाइएस्ट नहीं रहती, ठीक। डैश आर क्लियर फ्लेवर्ड स्वीटन एंड हाइड्रो एल्कोहलिक लिक्विड प्रिपरेशंस मेंट फॉर ओरल एडमिनिस्ट्रेशन। क्या है वो जो कि क्लियर फ्लेवर्ड और स्वीटेंड हाइड्रो एल्कोहलिक लिक्विड प्रिपरेशन है, जो कि हम ओरली यूज करते हैं, ठीक है। इसमें परसेंटेज ऑफ एल्कोहल 4-40% वेरी करता है। सो ऑप्शंस आर इलेक्सर्स, लोशन, लिनामेंट्स या ड्रॉप्स। सो द करेक्ट ऑप्शन इज इलेक्सर्स। इलेक्सर्स जो होते हैं वो क्लियर फ्लेवर्ड स्वीटेंड हाइड्रो एल्कोहलिक लिक्विड्स होते हैं। इस टाइप के क्वेश्चंस भी, कुछ डेफिनेशंस हो गए पर्टिकुलर, वो आपके एमसीक्यू में पूछे जाते हैं कि इनमें से कौन सा सही ऑप्शन है और ये किसका। नेक्स्ट है हमारा, ये एमसीक्यू ये ट्रू एंड फॉल्स टाइप के, इस टाइप के भी क्वेश्चंस एमसीक्यू में आपके एग्जाम्स में पूछे जाते हैं। जैसे एनिमास आर दी सॉल्यूशन और सस्पेंशंस इंटेंडेड फॉर इंट्रोडक्शन इन रेक्टम एंड कोलोन। क्या ये बात सही है कि जो एनिमास होते हैं वो एक सॉल्यूशन है या फिर सस्पेंशन है जो कि रेक्टम या फिर कोलोन में देने के लिए यूज़ किया जाता है। सो द करेक्ट ऑप्शन इज ट्रू। ये बात सच है, हम एनिमास को रेक्टम या फिर कोलोन में या कोई बॉडी कैविटी में डालने के लिए ही यूज़ करते हैं, ओके। नेक्स्ट क्वेश्चन इज पाउडर्स आर दी डोसेस फॉर्म्स। कौन सा डोसेस फॉर्म है पाउडर, सॉलिड, लिक्विड, सेमी सॉलिड या गैशियस। सो द करेक्ट ऑप्शन इज सॉलिड। पाउडर्स जो होते हैं वो सॉलिड डोसेस फॉर्म होते हैं, ठीक है। नेक्स्ट है हमारा, ड्यूटेक्टिक मिक्सचर ऑफ पाउडर्स विच मिक्सड टर्न्स टू। जब यूटेक्टिव मिक्सचर को हम मिक्स करते हैं किस में बदल जाता है, गैस में, सॉलिड में, लिक्विड में या फिर सब में, गैस, लिक्विड और सॉलिड सब में। सो द करेक्ट ऑप्शन इज सी,
लिक्विड में। यूटेक्टिक मिक्सचर्स को जब हम यूटेक्टिक पाउडर्स को जब हम एक्चुअली मिक्स करते हैं तो वो लिक्विफाई हो जाता है और वो लिक्विड में चेंज हो जाता है। ओके नेक्स्ट है हमारा डैश पाउडर्स मस्ट बी स्टेराइल। कौन से पाउडर को स्टेराइल करना चाहिए, स्टेराइल यानी माइक्रोबियल फ्री पायरोजन फ्री हमें करना चाहिए। तो द ऑप्शंस आर डस्टिंग पाउडर, सर्जिकल पाउडर, बोथ ए एंड बी एंड नन ऑफ द अबव। सो द करेक्ट ऑप्शन इज सर्जिकल पाउडर। सर्जिकल पाउडर सर्जरीज के समय यूज होती हैं, तो वो जो रहती है हमारी डायरेक्ट जो ओपन बॉडी रहती है उसमें हम उस पाउडर्स को यूज करते हैं, इसीलिए वो पाउडर स्टेराइल होना चाहिए, माइक्रोबियल फ्री होना चाहिए। ठीक है, डस्टिंग पाउडर्स को हम वूंड एरिया वगैरह में यूजुअली नहीं यूज़ करते हैं, हम नॉर्मली भी यूज़ कर सकते हैं, बट सर्जिकल पाउडर्स को स्टेराइल होना ज़रूरी है क्योंकि वो हमारी बॉडी के ओपन वूंड्स में जाते हैं। ओके नेक्स्ट है हमारा एग्जाम्पल्स ऑफ प्रिजर्वेटिव। इसमें से कौन सा है जो प्रिजर्वेटिव है, ऑप्शंस हैं बेंजोइक एसिड, कैल्शियम, सैकेरिन या मिथाइल सेल्यूलोज। सो द करेक्ट ऑप्शन इज बेंजोइक एसिड, ए बेंजोइक एसिड, ये जो होता है वो प्रिजर्वेटिव का एग्जाम्पल है। नेक्स्ट क्वेश्चन है सॉल्युबिलिटी एनहेंसमेंट टेक्निक फॉर लिक्विड डोजेस फॉर्म्स आर। इसमें से कौन सी टेक्निक है जो लिक्विड डोजेस फॉर्म की सॉल्युबिलिटी को एनहेंस कर सकती है। सो द ऑप्शंस आर कोसॉल्वेंसी, सरफेस एक्टिंग एजेंट्स, केमिकल मॉडिफिकेशन, ऑल ऑफ द अबव। सो द करेक्ट ऑप्शन इज ऑल ऑफ द अबव। ये तीनों टेक्निक्स हमें यूज होती हैं सॉल्युबिलिटी को एनहेंस करने में, सॉल्युबिलिटी को बढ़ाने में। ठीक है, आइसोटोनिक सॉल्यूशंस हैव अ कंसंट्रेशन। ठीक है, आइसोटोनिक सॉल्यूशन का कंसंट्रेशन क्या होता है, ऑप्शंस आर लेस देन 0.9% वेट बाय वॉल्यूम NaCl, बी मोर देन 0.9% वेट बाय वॉल्यूम NaCl, सी 0.8% वेट बाय वॉल्यूम NaCl या ऑप्शन डी 0.9% वेट बाय वॉल्यूम NaCl। सो द करेक्ट ऑप्शन इज 0.9% वेट बाय वॉल्यूम NaCl। ओके नेक्स्ट आता है विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ मेथड यूज्ड फॉर मिक्सिंग पाउडर्स। इसमें से कौन सा मेथड है जो कि पाउडर को मिक्स करने के लिए यूज नहीं होता है, ऑप्शंस आर स्पेचुलेशन, ट्राइचुरेशन, एक्सप्लोजन या टम्बलिंग। सो द करेक्ट ऑप्शन इज एक्सप्लोजन। जो एक्सप्लोजन मेथड होता है वो हमें मिक्सिंग के काम नहीं आता, जबकि स्पेचुलेशन, ट्राइचुरेशन और टम्बलिंग ये तीनों मेथड हमें मिक्सिंग ऑफ पाउडर्स में हेल्प करते हैं। ठीक, नेक्स्ट है बल्क पाउडर्स आर। जो बल्क पाउडर्स हैं वो कैसे होते हैं, वो पोटेंट होते हैं, नॉन पोटेंट होते हैं, बोथ ए एंड बी, पोटेंट और नॉन पोटेंट दोनों होते हैं या नन ऑफ दिस। बेसिकली बल्क पाउडर्स जो होते हैं वो नॉन पोटेंट होते हैं। ठीक, नेक्स्ट है डैश पाउडर्स कंसिस्ट ऑफ मोर देन वन इंग्रेडिएंट। इसमें से कौन सा पाउडर है जो एक इंग्रेडिएंट से ज़्यादा रखता है, तो द ऑप्शंस आर सिंपल पाउडर, कंपाउंड पाउडर्स, सिंपल और कंपाउंड पाउडर्स दोनों या इनमें से कोई भी नहीं। सो द करेक्ट ऑप्शन इज बी कंपाउंड पाउडर्स, वो एक और या वो एक से ज़्यादा इंग्रेडिएंट्स रखता है। ठीक, नेक्स्ट आता है आपका द बेसिक रिक्वायरमेंट्स फॉर एफरवेसेंट ग्रेन्यूल्स आर। एफरवेसेंट ग्रेन्यूल्स के लिए बेसिक रिक्वायरमेंट्स क्या कौन सी हैं, ऑप्शंस आर सोडियम कार्बोनेट, टार्ट्रिक एसिड, सिट्रिक एसिड या ऑल ऑफ द अबव। तो कौन से ऑप्शंस हैं जो कि सही है एफरवेसेंट ग्रेन्यूल्स के लिए। हमारी बेसिक रिक्वायरमेंट्स ये तीनों हैं, तो ऑल ऑफ द अबव, हमें सोडियम बाइकार्बोनेट, टार्ट्रिक एसिड और सिट्रिक एसिड तीनों चाहिए होता है एफरवेसेंट ग्रेन्यूल्स बनाने के लिए। ओके नेक्स्ट क्वेश्चन है विच ऑफ द एब्जॉर्ब मॉइस्चर कंटेंट द एटमॉस्फेयर एंड टर्न्स इनटू लिक्विड फॉर्म्स। ऐसी इसमें से कौन सा है जो कि मॉइस्चर से एब्जॉर्ब कर देता है वाटर कंटेंट और मॉइस्चर एब्जॉर्ब कर लेता है और लिक्विड फॉर्म में कन्वर्ट हो जाता है। ऑप्शन आर हाइग्रोस्कोपिक सब्सटेंस, डेलिक्वेसेंट सब्सटेंस, एब्जॉर्बेंस या फिर डिसइंग्रेडिएंट या फिर डिसइंटीग्रेंट्स। सो द करेक्ट ऑप्शन इज डेलिक्वेसेंट सब्सटेंसेस, ये मॉइस्चर एब्जॉर्ब कर लेते हैं एटमॉस्फेयर से और लिक्विड में बदल जाते हैं। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन है सिरप आईपी कंटेन्स डैश परसेंटेज वेट बाय वेट ऑफ शुगर। सिरप आईपी जो है वो कितना परसेंटेज वेट बाय वेट कंटेन करता है शुगर का। सो द ऑप्शंस आर 66.7, 16.6, 60.5 या 56.6।
So the correct answer is 66.7% weight by weight of sugar. ठीक. Next हमारा which powder is meant for internal or oral use? इसमें से कौन सा powder है जो कि हम oral use के लिए या फिर अंदर लेते हैं, ठीक है, body के अंदर जाता है. So the options are talcum powder, snuff, electrolyte powder या dusting powder. So the correct option is electrolyte powder. ORS वगैरह electrolytes जो रहते हैं वो हम पानी में लेके body के अंदर लेते हैं, जबकि ये सारे powders को हम बाहर से ही use करते हैं. Clear? Next है हमारा stabilizers are used. Stabilizers कैसे use किया जाता है? As a coloring agent, as preservatives, for stability या for solubility. So the correct option is for stability. अब stabilizer है तो stability के लिए तो use होगा. Next है हमारा solution consist of. Solution क्या क्या रखता है? Solute, solvent, co-solvent या all of these. So the correct option is all of these. जो solution होता है वो solute भी रखता है, solvent भी रखता है और co-solvent भी रखता है, ठीक है. So the correct option is all of these. Question number 20 is express 10% weight by weight का मतलब क्या होता है? Quantity of solute in grams divided by quantity of solvent in gram. Weight by weight का मतलब होता है कि आपका solute भी gram में है और solvent भी gram में है, ठीक है. तो 10% यानी कि 10 ग्राम आपका NaCl जो है वो 100 ग्राम ऑफ सॉल्यूशन में डिसॉल्व है, ठीक है. इसका क्या मतलब हुआ कि आपका 10 ग्राम जो है NaCl उसमें 90 ग्राम सॉल्वेंट है, चाहे तो वो वाटर भी हो सकता है, ठीक है. तो 100 ग्राम प्लस 90 ग्राम जो कि 100 ग्राम ऑफ सॉल्यूशन बना रहे. तो इस तरह से आपको एक्सप्रेस करके एग्जाम में बताना पड़ेगा. ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन आता है. इसको मैंने और अच्छे से अपने लेक्चर्स में देखा है, आप समझने के लिए इसके प्रीवियस लेक्चर्स देख सकते हैं फार्मास्यूटिकल कैलकुलेशंस के. ठीक, नेक्स्ट आता है हमारा 1 ounce OZ यानी आउंस इज इक्वल टू डैश ग्रेन्स. इस टाइप के क्वेश्चन भी पूछे जाते हैं यूनिट के. तो इसमें है 1 ounce कितने ग्रेन्स कंटेन करता है. सो द ऑप्शन आर 437.5, 334.5, 555.7 या 657.4. So the correct answer is 437.5 grains. ठीक, ये थे MCQs नेट 2 के. अब आगे हम चलते हैं लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चंस में. इसमें मैं आपको पैटर्न्स बताती हूँ किस टाइप के क्वेश्चंस पूछे जाएंगे और इसको आपको आंसरिंग कैसे करनी है. ओके, सबसे पहले है डिस्कस ब्रीफली अबाउट दी सॉल्युबिलिटी एनहेंसमेंट टेक्निक. सॉल्युबिलिटी एनहेंसमेंट टेक्निक के बारे में आपको एक्सप्लेन करना है, ठीक है. तो आप हमेशा याद रखना जब इस टाइप के क्वेश्चंस हो और आपका 10 मार्क्स का अगर क्वेश्चन है तो आप सबसे पहले एक्सप्लेन कीजिए कि सॉल्युबिलिटी एनहेंसमेंट टेक्निक क्या होता है, इसका डेफिनेशन एक्सप्लेन कीजिए सबसे पहले, ठीक है. तो आपने बता दिया कि सॉल्युबिलिटी एनहेंसमेंट टेक्निक क्या होता है, जो सॉल्युबिलिटी को बढ़ाने के लिए काम आता है, ठीक है. उसके बाद अपने को टेक्निक्स को आपको डील करना पड़ेगा एक एक करके. तो सबसे फर्स्ट है आपका पार्टिकल साइज रिडक्शन. आप पार्टिकल साइज को रिड्यूस करके आप सॉल्युबिलिटी बढ़ा सकते हैं. सेकंड है आपका सर्फेक्टेंट्स. थर्ड है आपका सॉल्ट फॉर्मेशन. फोर्थ है आपका को सॉल्वेंसी. फिफ्थ है आपका पीएच एडजस्टमेंट. सिक्स्थ है आपका सॉलिड डिस्पर्शन. तो ये सारे 6 मेथड्स हैं, आपको एक एक करके सबको डील करके एक्सप्लेन करना पड़ेगा. ये सारी टेक्निक से हम किसी भी सॉल्यूशन का सॉल्युबिलिटी को बढ़ा सकते हैं, ठीक है. इसके एक्सप्लेनेशन मैंने अपने वीडियोस में दिया, आप उसे देख सकते हैं. नेक्स्ट है आपका क्वेश्चन डिफाइन पाउडर्स एंड क्लासीफाई देम, ठीक है. अब आपसे डिफाइन करने के लिए पाउडर पूछा है तो आपको बताना पड़ेगा कि पाउडर्स क्या होते हैं. अब डेफिनेशन पूछा है तो आप बता दीजिएगा कि पाउडर्स आर सॉलिड डोजेस फॉर्म. इट इज़ अ मिक्सचर ऑफ फाइनली डिवाइडेड ड्रग एंड केमिकल्स इन ड्राई फॉर्म. दीज आर
सॉलिड डोजेस फॉर्म्स ऑफ मेडिकामेंट्स विच आर मेंट फॉर इंटरनल एंड एक्सटर्नल यूज़। आप चाहें तो इसके एक दो एडवांटेज डिसएडवांटेज भी बता सकते हैं क्योंकि 10 मार्क्स का क्वेश्चन है। इसके बाद आप उसको क्लासीफाई करेंगे। बेसिकली क्लासीफाई करने के लिए आप फ्लो चार्ट यूज़ कीजिए, ठीक है। उसमें आप क्लासीफाई कीजिए कि पाउडर्स कितने टाइप्स के होते हैं, ठीक है। तो आप एक फ्लो चार्ट बना लीजिए क्योंकि 5 टाइप्स के होते हैं, तो इस टाइप से आपने बना दिया एक फ्लो चार्ट, ठीक है। आप कोई भी क्वेश्चन में कोशिश कीजिएगा जितना अच्छे से फ्लो चार्ट्स बनाएं, जितने अच्छे से उसको टेबुलर फॉर्म में या पॉइंट वाइज आप उसको एक्सप्लेन कर सके, उतना अट्रैक्टिव आपका आंसर बनता है, ठीक है। तो आपने 5 पार्ट में डिवाइड करके बता दिया कि बल्क पाउडर्स फॉर इंटरनल यूज़, बल्क पाउडर फॉर एक्सटर्नल यूज़, सिंपल एंड कंपाउंड पाउडर्स फॉर इंटरनल यूज़, पाउडर्स एनक्लोज्ड इन कैचेट्स एंड कैप्सूल्स, और लास्ट है हमारा कंप्रेस्ड पाउडर्स। ये 5 टाइप्स ऑफ पाउडर्स को आपने क्लासीफाई कर दिया और थोड़ा थोड़ा एक्सप्लेनेशन विद एग्जाम्पल सबका दे दिया, तो आपको पूरे 10 मार्क्स मिल जाएंगे, ठीक। इसके बाद आता है हमारा लास्ट क्वेश्चन ऑफ लॉन्ग आंसर, जो कि है एक्सप्लेन एक्सीपियंट्स यूज्ड इन द फॉर्मुलेशन ऑफ लिक्विड डोजेस फॉर्म। लिक्विड डोजेस फॉर्म में क्या क्या एक्सीपियंट्स यूज किए जाते हैं, इस आंसर्स को आप कैसे स्टार्ट करेंगे, 10 मार्क्स का आंसर है। तो सबसे पहले आप बताएंगे कि लिक्विड डोजेस फॉर्म क्या होता है, आप 1 लाइन 2 लाइन में एक्सप्लेन कर दीजिए। उसके बाद बताइएगा डेफिनेशन बोल रही हूँ, उसके बाद आप एक्सीपियंट्स का डेफिनेशन दे दीजिए इस आंसर के लिए, ठीक है। उसके बाद आप बताइए कि कौन कौन से एक्सीपियंट्स जो होते हैं वो लिक्विड डोजेस फॉर्म में यूज होते हैं। तो मैंने कौन कौन से बताए थे, वेहिकल्स बताया था, सॉल्युबलाइजर, स्टेबलाइजर, फोर्थ प्रिजर्वेटिव्स, फिफ्थ है ऑर्गेनोलैप्टिक कैरेक्टरिस्टिक्स, ठीक है। एक्सीपियंट्स क्या होते हैं, जो सपोर्टिंग रहते हैं, ठीक है, जो ड्रग्स के अलावा, जो आपके एपीआई के अलावा जो चीज़ यूज़ होता है, जो हमारे लिक्विड डोजेस फॉर्म या कोई भी डोजेस फॉर्म को सपोर्ट करती है, उसको उस डोजेस फॉर्म में कन्वर्ट होने के लिए, चाहे उसकी स्टेबिलिटी बढ़ाने के लिए, उसकी सॉल्युबिलिटी बढ़ाने के लिए, उसका एक्सपायरी डेट बढ़ाने के लिए, जो भी यूज़ करते हैं उसे हम कहते हैं एक्सीपियंट्स, ठीक है। तो आपके व्हीकल, सॉल्युबलाइजर, स्टेबलाइजर, प्रिजर्वेटिव, ऑर्गेनोलैप्टिक सब इसी के अंदर आते हैं। फिर व्हीकल्स के सब डिविजन्स हैं, जैसे व्हीकल्स में सॉल्वेंट्स यूज़ होते हैं, को सॉल्वेंट्स यूज़ होते हैं। फिर सॉल्युबलाइजर्स के बहुत सारे डिविजन्स बताए थे मैंने, जैसे सॉल्युबलाइजर्स के अंदर आते हैं आपके पीएच एडजस्टमेंट, को सॉल्वेंसी, कॉम्प्लेक्सेशन, वेटिंग एजेंट्स एंड सर्फेक्टेंट्स, ये सब एज अ सॉल्युबलाइजर हो गए, ठीक है। उसके बाद आपका आता है स्टेबलाइजर्स, स्टेबलाइजर्स में हम यूज़ करते हैं एंटीऑक्सीडेंट्स, एंटीफोमिंग एजेंट्स, सस्पेंडिंग एजेंट, ह्यूमेक्टेंट्स एंड फ्लॉक्यूलेटिंग एजेंट्स, ये सारे आ गए आपके स्टेबलाइजर्स के अंदर, ठीक है। तो इस टाइप से आप सबसे सबके सब डिविजन देते जाएंगे, फिर आप एक्सप्लेन कर दीजिए कि प्रिजर्वेटिव्स क्या होता है, फिर ऑर्गेनोलैप्टिक कैरेक्टरिस्टिक्स क्या है, ठीक है, कलर ऑर्डर, टेस्ट, बेसिक कलरिंग एजेंट, फ्लेवरिंग एजेंट एंड स्वीटनिंग एजेंट जो हम ऐड करते हैं, उसके एग्जांपल्स के थ्रू आप इसको एक्सप्लेन कर दीजिए, ठीक है। सारे क्वेश्चन में कोशिश कीजिएगा एग्जांपल्स देने के लिए और फ्लो चार्ट और टेबल बनाने के लिए, जितना आप एग्जांपल देंगे उतना वो आंसर उतना क्लियर होगा, ठीक। ये था लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चन। अब लास्ट अब आता है हमारा सेक्शन 3 शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन, जिसमें आपको 8 क्वेश्चन मैंने दिए हैं, जिसमें से आपको 7 क्वेश्चंस अटेम्प्ट करना है। ये क्वेश्चन 5 मार्क्स के रहते हैं, ठीक। स्टार्टिंग विद दिस, डिस्कस द डिफरेंट मेथड्स ऑफ मिक्सिंग पाउडर्स। इसमें आपको डिफरेंट मेथड्स बताने हैं पाउडर के मिक्स करने। तो कौन कौन से, इसमें आप सबसे पहले बता दीजिए कि मिक्सिंग क्या होता है, ठीक है, फिर उसके डिफरेंट मेथड्स क्या होते हैं। तो डिफरेंट मेथड्स में कौन कौन से मेथड थे, स्पेचुलेशन, सेकेंड है ट्राइचुरेशन, थर्ड है ज्योमेट्रिक डाइल्यूशन, फोर्थ है सिफ्टिंग और फिफ्थ है टम्बलिंग। ये 5ों मेथड को मैंने अपने लेक्चर्स में बहुत डिटेल में एक्सप्लेन किया है, आप चाहें तो उससे रेफरेंस ले सकते हैं, ठीक है। तो ये 5 मेथड्स हैं आपके पाउडर्स को मिक्स करने के लिए, तो आप उसको एक्सप्लेन करने तो आप ये 5ों मेथड को मेंशन करेंगे और उसको एक्सप्लेन करेंगे, ठीक है, इतना ही काफ़ी होगा इस आंसर्स के लिए। फिर उसके बाद है नेक्स्ट क्वेश्चन आपका, एक्सप्लेन सिंपल पाउडर एंड कंपाउंड पाउडर विद एन एग्जांपल। आपको सिंपल पाउडर और कंपाउंड पाउडर क्या होता है विद एग्जांपल आपको एक्सप्लेन करना पड़ेगा, ठीक है। तो सिंपल पाउडर क्या होता है, जिसमें एक ही कोई पाउडर इन्ग्रीडियंट मिक्स हो, ठीक है, और कंपाउंड पाउडर क्या होता है, जिसमें एक से ज़्यादा पाउडर्स मिक्सड हों। और आप इसको विद एग्जांपल में, जैसे कि आपका एस्प्रिन पाउडर हो गया, जिसमें सिर्फ और सिर्फ एस्प्रिन
यूज करते हैं हम लोग, और डायरेक्टली हम उसको एज ए पाउडर में हम उसको ले लेते हैं, ठीक है। इसमें सिर्फ एस्प्रिन यूज़ कर रहे हैं तो वो आप डाल सकते हैं, ठीक है। उसके बाद आपके कंपाउंड पाउडर्स में एपीसी पाउडर्स होता है, इसमें एस्प्रिन, पैरासीटामोल और कैफीन, जो जिसमें तीन मेन इंग्रेडिएंट्स यूज़ हो सकते यूज़ हुए थे, वो उसके आप एग्जांपल कंपाउंड पाउडर्स में डाल सकते हैं, ठीक। इतना सफिशिएंट होगा इसके लिए। फिर नेक्स्ट हमारा, राइट द एडवांटेजेस एंड डिसएडवांटेज ऑफ पाउडर्स एज द डोसेस फॉर्म, ठीक है। अब आपको पाउडर्स के एडवांटेजेस और डिसएडवांटेजेस बताना है कि क्या क्या होते हैं एज अ डोसेस फॉर्म, ठीक है। तो सबसे पहले आप एडवांटेज डिसएडवांटेज बताने के लिए एक सपोर्टिंग होता है, आप सबसे पहले डेफिनेशन बता दीजिए कि पाउडर का डेफिनेशन क्या होता है, ठीक है। उसके बाद आप बता दीजिए पाउडर के एडवांटेजेस कि वो ओल्डेस्ट फॉर्म होता है, स्टेबल होता है लिक्विड डोसेस फॉर्म के लिए, कन्वीनियंट होता है, इनकम्पेटिबिलिटी के चांसेस कंपेयर्ड टू लिक्विड डोसेस फॉर्म कम होते हैं, ऑनसेट ऑफ एक्शन भी जल्दी हो जाता है कंपेयर टू अदर सॉलिड डोसेस फॉर्म, क्योंकि टैबलेट कैप्सूल्स में डिसइंटीग्रेशन, डिसॉल्यूशन भी, डिसइंटीग्रेशन वगैरह पार्ट भी रहता है जो कि इसमें नहीं रहता, ये डायरेक्टली हम ले सकते हैं। इसलिए वैसे कुछ कुछ डिसएडवांटेजेस आप इसके बता दीजिए कि बिटर टेस्ट और नॉजियस या अनप्लीजेंट टेस्ट वाले ड्रग्स को हम इसमें नहीं ले सकते हैं, 100 mg से अगर कम है किसी की क्वांटिटी उसको वे करने में प्रॉब्लम होगा, डिस्पेंसिंग जो है इसकी वो टाइम ट्रेकिंग होगी, डेलिक्विसेंट और हाइग्रोस्कोपिक पाउडर्स के साथ प्रॉब्लम हो जाता है उसको डिस्पेंस करने में या उसको लेने में, ठीक है। तो इस टाइप से आप एडवांटेजेस और डिसएडवांटेज एक्सप्लेन कर देंगे पाउडर्स का, ठीक है। नेक्स्ट हमारा सेम है, राइट द एडवांटेजेस एंड डिसएडवांटेजेस ऑफ लिक्विड डोसेस फॉर्म, मैं सेम आपको बोलूँगी, इसमें पाउडर की डेफिनेशन थी, अब आप इसमें लिक्विड डोसेस फॉर्म की थोड़ा सा दो लाइन का एक्सप्लेनेशन दे दीजिए, फिर उसके एडवांटेजेस बताइए और डिसएडवांटेजेस बताइए, ठीक है। जैसे लिक्विड डोसेस फॉर्म का एडवांटेज हो गया आपका बेटर फॉर पेशेंट्स जिसको स्वेलिंग के लिए, स्वेलिंग मतलब जिसको घोटने में डिफ़िकल्टी है उनके लिए अच्छा होता है, इसका एब्जॉर्प्शन फास्ट होता है, ये ज़्यादा पैलेटेबल होता है, चिल्ड्रंस और ओल्ड एज के लिए अच्छा होता है, गुड चॉइस होती है, ठीक है। फ्लेक्सिबिलिटी इसकी ज़्यादा होती है, ठीक है। लेकिन इसका डिसएडवांटेज क्या हो जाएगा, शॉर्टर लाइफ होता है इसका, ठीक है, एक्यूरेटली मेजर नहीं किया जा सकता है, ठीक है, स्पेशल स्टोरेज कंडीशंस होती है, माइक्रोबियल ग्रोथ इसमें जल्दी हो जाता है, ये सारे हो गए लिक्विड डोसेस फॉर्म के डिसएडवांटेज। तो आप ये दोनों चीज़ को एक्सप्लेन कर दीजिए इस आंसर्स में, ठीक है। अब जैसे एडवांटेज डिसएडवांटेज दोनों है तो एटलीस्ट 5-5 पॉइंट्स दोनों में आप एक्सप्लेन कर दीजिए, ठीक है। सो ये हुआ आपका लिक्विड डोसेस फॉर्म, ठीक है। नेक्स्ट है हमारा, व्हाट आर एफर्वेसेंट, एफ्लोरोसेंट और हाइग्रोस्कोपिक पाउडर्स। अब आपको ये तीनों पाउडर्स क्या होते हैं इसको एक एक करके डील करना पड़ेगा, ठीक है, और विद एग्जांपल्स। आप पहले बता दीजिए, आप एक एक करके इसको डील कीजिए कि एफर्वेसेंट क्या होता है। तो एफर्वेसेंट वो होते हैं जो कि एफर्वेसेंस देते हैं, जो CO2 रिलीज करते हैं और इजिली एक्शन, जल्दी एक्शन देते हैं, ठीक है। उसके बाद आपके जो एफ्लोरोसेंट पाउडर्स होते हैं वो क्या होते हैं, वो क्रिस्टलाइन सब्सटेंस होते हैं जो कि वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन को लिब्रेट करते हैं होली या पार्शली जब किसी भी एटमॉस्फेयर के प्रेजेंस में आके, ठीक है। स्पेशली जब वो इसको ट्राइचुरेट वगैरह करो तो वो वेट हो जाते हैं, वो लिक्विफाई हो जाते हैं, ठीक है। उसके कुछ एग्जांपल्स बता दिए, जैसे फेरस, साइट्रिक एसिड, कैफीन, ये सारे आपको एफ्लोरेसेंस के एग्जांपल्स हो गए। हाइग्रोस्कोपिक क्या होता है, जो एटमॉस्फेरिक, जो कि एब्जॉर्ब करते हैं मॉइस्चर एटमॉस्फेयर से, उसे हम कहते हैं हाइग्रोस्कोपिक पाउडर जो, ठीक है। उसका आप एग्जांपल ले लीजिए, अमोनियम क्लोराइड, आयरन, अमोनियम सिट्रेट, ये सारे होगा एग्जांपल हाइग्रोस्कोपिक पाउडर के, ठीक है। तो ये आप पहले एक्सप्लेन कर दीजिए कि पाउडर क्या होता है, फिर तीनों को आप एक एक लाइन, दो दो लाइन, फिर आप तीनों को एक्सप्लेन कीजिए कि एफर्वेसेंट क्या होता है, एफ्लोरोसेंट क्या होता है, हाइग्रोस्कोपिक क्या होता है, और उसके आप एग्जांपल्स दो चार तो डाल दीजिए, ठीक है। फिर ये आपका आंसर कंप्लीट हो जाएगा, ओके। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, एक्सप्लेन इंपीरियल एंड मेट्रिक सिस्टम, ठीक है। ये कैलकुलेशन के पार्ट्स हैं, इंपीरियल और मेट्रिक सिस्टम, ये क्या होता है, इसमें क्या करेंगे। इंपीरियल सिस्टम जो होता है वो भी कैलकुलेशन मेथड है ऑफ डिस्पेंसिंग, ठीक है। ये कैलकुलेशन मेथड्स इन्वॉल्व होते हैं फार्मेसी में डिस्पेंसिंग करते समय, ठीक है। दो ही मेथड्स होता है वेट और मेजर्स को मेजर करने के लिए, वो है इंपीरियल मेथड और मेट्रिक मेथड। तो इसको आप एक्सप्लेन करेंगे, ठीक है। जो इंपीरियल मेथड होते हैं उसमें आते हैं आपके अवॉइड डुपल्स और एपोथेकेरिस सिस्टम, ठीक है। ये दोनों सिस्टम को आप एक्सप्लेन कर दीजिएगा इंपीरियर में,
ठीक है। और मेट्रिक सिस्टम में आपके जितने भी कन्वर्जन वाले हैं, जैसे 1 किलोग्राम इज इक्वल टू 1000 ग्राम, ठीक है। बाकी जो भी आपके कन्वर्जन मीडियम है, 1 आउंस कितना होता है, ठीक है, 1 ड्रॉप कितना होता है, अगर डोमेस्टिक मतलब उसको किस तरह से कन्वर्जन किया जाता है, ठीक है, कुछ कुछ डोमेस्टिक मेजर्स भी होते हैं। तो मैंने इसको बहुत अच्छे से अपने लेक्चर्स में एक्सप्लेन किया, आप उसको जाके लेक्चर्स में देखिएगा, उसको क्लासिफाई किया, उसके कुछ टेबल्स मैंने आपको बताए हैं, ठीक है, उस टेबल को ड्रॉ कीजिएगा, कन्वर्जन कैसे किया जाता है ये भी बताया, कुछ कुछ एग्जांपल्स भी मैंने बताया, अगर हो सके तो आप उसको भी ऐड कर सकते हैं। बट 5 मार्क्स के लिए आप सिर्फ क्या करेंगे, एम्पीरियर में एवोडोपस और एपोथेरिकेरिस सिस्टम्स को एक्सप्लेन कर देंगे, और मेट्रिक सिस्टम में आप वो टेबल बना देंगे, कन्वर्जन टेबल्स, जिसमें आप एक्सप्लेन कर देंगे कि जैसे वेट मेजर्स को, अगर आपको वेट करना है, वेट इन मेट्रिक सिस्टम अगर आपको करना है, और फिर मेजरमेंट ऑफ कैपेसिटी करना है, तो आप कैसे उसको कन्वर्ट करेंगे, डोमेस्टिक पर्पस के लिए आप कैसे कन्वर्ट करेंगे, क्या क्या रहता है, उसका टेबल आप यहाँ पे बना देंगे, ठीक है, तो काफ़ी होगा। नेक्स्ट है हमारा कैलकुलेशन पार्ट, कैलकुलेट द वॉल्यूम ऑफ 95% एल्कोहल रिक्वायर्ड टू प्रिपेयर 600 ml ऑफ 70% एल्कोहल फ्रॉम 40% एल्कोहल, ठीक है। तो इसको थ्रू एलिगेशन मेथड हम बना सकते हैं, ठीक है। इसके लिए सबसे पहले एलिगेशन मेथड का फॉर्मूला बता दीजिए। रिक्वायर्ड कंसंट्रेशन, यहाँ पे आता है आपका स्ट्रॉन्गर कंसंट्रेशन, यहाँ पे आता है आपका वीकर कंसंट्रेशन, यहाँ पे आता है आपका रिक्वायर्ड कंसंट्रेशन माइनस वीकर कंसंट्रेशन, यहाँ पे आपका आता है रिक्वायर्ड स्ट्रॉन्गर कंसंट्रेशन माइनस रिक्वायर्ड कंसंट्रेशन, ठीक है। तो अब आप इस फॉर्मूले में इस वैल्यूज़ को फिट करेंगे, जैसे कि आपका रिक्वायर्ड कंसंट्रेशन कितना है, 70% एल्कोहल, स्ट्रॉन्गर है 95, ठीक है, उसके बाद आपका वीकर कंसंट्रेशन है 40%। तो आप इस फॉर्मूले में डालें और इससे पार्ट्स, कितने पार्ट्स रिक्वायर्ड रहेंगे, 95 यहाँ पे 95 रहेगा, 95 के लिए कितने पार्ट्स रिक्वायर्ड रहेंगे, 40% एल्कोहल के लिए कितने पार्ट्स रिक्वायर्ड रहेंगे, इस फॉर्मूले से आप निकाल लेंगे, ठीक है। उसके बाद वॉल्यूम आपको इसमें फाइंड करना है, क्योंकि 600 ml वॉल्यूम में कितना 70% लगेगा, तो उस वॉल्यूम का फॉर्मूला होता है वॉल्यूम इनटू पार्ट्स डिवाइडेड बाय टोटल पार्ट्स, ठीक है। तो यहाँ से वॉल्यूम जितना भी है, तो वॉल्यूम कितना है हमारा 600 ml, ठीक है। 95 पार्ट्स के लिए कितना यूज़ होगा, क्योंकि हमें 70 उसको यूज़ करना है, तो हमें कितना यूज़ होगा वो हम यहाँ पे पार्ट्स में लिख देंगे, डिवाइडेड बाय टोटल पार्ट्स, जो भी आएगा इन दोनों का कैलकुलेट करके जो पार्ट्स आएगा वो आपके टोटल पार्ट्स हो गए, वो आप लिखेंगे। वैसे ही आप 95 के लिए कैलकुलेट करेंगे, वैसे ही आप 40% के लिए भी कैलकुलेट करेंगे, ठीक है। आप दोनों को जब प्लस करेंगे तो दोनों का आंसर आ जाएगा 600 ml, ठीक है। तो आप उससे पता चल जाएगा कि आप 95% कितना आप मिक्स करेंगे अल्कोहल, तो 600 ml होगा, और 40 कितना मिक्स करेंगे तो 600 ml होगा। इसका और अच्छे से एक्सप्लेनेशन सेम क्वेश्चंस को मैंने अपने लेक्चर वीडियो में बताया है, आप उसमें जाके इसको और क्लियरली समझ सकते हैं, ठीक है। लास्ट क्वेश्चन आता है आपका, डिस्कस इन ब्रीफ अबाउट ज्योमेट्रिक डाइल्यूशन। तो ज्योमेट्रिक डाइल्यूशन क्या होता है, ज्योमेट्रिक डाइल्यूशन आप इसमें आपको बताना है कि ज्योमेट्रिक डाइल्यूशन क्या होता है, तो इसका डेफिनेशन और इसकी मिक्सिंग टेक्निक आपको बतानी है। तो सबसे पहले आपको बताना पड़ेगा कि ये एक मेथड होता है मिक्सिंग के लिए, जो कि स्पेशली पाउडर्स वगैरह को मिक्स करने के लिए यूज़ किया जाता है, ठीक है। इसमें क्या होता है, जो लीस्ट, जैसे 2 पाउडर्स दिए हैं, ठीक है, तो लीस्ट अमाउंट के जो पाउडर रहते हैं उसको सबसे पहले, जो आपका एक्टिव इंग्रेडिएंट रहता है बेसिकली, उसको पहले हम ट्राइचुरेट करते हैं, फिर दूसरा जो आपका एक्सिपिएंट है उसका भी सेम क्वांटिटी लेके इसको ट्राइचुरेट करते हैं, फिर उसके बाद इसका जैसे जितना बना है, जैसे सपोज इसका आपने 5 ग्राम लिया, फिर इसका 5 ग्राम लिया, तो अब ये 10 ग्राम बन गया, ठीक है। तो आप फिर ये इसको 10 ग्राम लेंगे, और फिर एक्सिपिएंट्स का 10 ग्राम लेंगे, और फिर आप इसको मिक्स करेंगे। तो इस टाइप की जो टेक्निक है, जो कि प्रॉपर इक्वल मिक्सिंग के लिए यूज़ किया जाता है, उसको हम कहते हैं ज्योमेट्रिक डाइल्यूशन। इसको और डिटेल पढ़ने के लिए आप मेरे लेक्चर्स को देख सकते हैं। ये सारे जितने भी क्वेश्चंस थे, MCQs, लॉन्ग आंसर, शॉर्ट आंसर क्वेश्चंस, इसका आप डिटेल व्यू और ज़्यादा अगर उसको और समझने के लिए अगर आपको देखना है, तो इसके वीडियोस हमारे चैनल पे अपलोड हैं, आप उसे जाके एक बार देख सकते हैं, ठीक है, समझ सकते हैं, और उसके अकॉर्डिंग आप इसको आंसर्स कर सकते हैं, ठीक है। ये था आपका मॉडल क्वेश्चन पेपर। ये क्वेश्चन पेपर मैंने आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से बनाया है, जो कि यूनिट 2 के कुछ सिलेक्टेड क्वेश्चंस हैं वो हैं। सो आप हर यूनिट के बाद इस टाइप के क्वेश्चंस आप सॉल्व कर सकते हैं, अपने आप को सेल्फ एसेस कर सकते हैं। दिस वाज ऑल अबाउट टुडेज लेक्चर। आई होप आपको ये लेक्चर समझ आया होगा। थैंक यू।